एवरीवन, वेलकम टू द मैकेनिक्स इंस्टीट्यूट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप। किसी ग्रुप के अवयव की कोटि कैसे डिसाइड होती है, कौन से रूल्स उस पर अप्लाई होने चाहिए, वो सब आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, हमें एक ग्रुप कंसिडर करना है एज यूजुअल। तो हमने एक ग्रुप कंसिडर कर लिया जी स्टार। उसके बाद किसी एक एलिमेंट का ऑर्डर हमें डिस्कस करना है, तो एक एलिमेंट भी हमने सुपोज कर लिया ए बिलोंग्स टू जी। अब हमें बात करनी है कि इस ए एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए जरूरी है कि कोई स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर यानी कि कोई नेचुरल नंबर एन जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए ए रेज टू द पावर एन बराबर आइडेंटिटी आ जाए। ये जो ई एलिमेंट है ना, इसको हम कहते हैं ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। ध्यान रहे दो मेन बातों का कि पावर के बाद जो रिजल्टेंट एलिमेंट है वो आइडेंटिटी होना चाहिए और एन इस कंडीशन के लिए सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन पहले मैं डिटेल में लिखवा देता हूं, उसके बाद हम इसके एग्जाम्पल लेंगे। तो आप इसे नोट कर लें। लेट जी स्टार बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी और ए इसका कोई एलिमेंट है। देन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी वेयर ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। ये दिए गए ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। ये पूरी डेफिनेशन आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में आएगी, लेकिन उससे पहले डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर एन है ना, वो किसी एलिमेंट का ऑर्डर कहलाता है अगर ए रेज टू द पावर एन करने पर आइडेंटिटी आए। इसके ना केवल एक दो एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल अपन डिस्कस करेंगे, तो ये टॉपिक आगे के टॉपिक से भी रिलेट करेगा। तो बहुत ही मोस्ट टॉपिक बनता है अलजेब्रा का, ग्रुप थ्योरी का। तो आपको इसको पूरे ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। मैं इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। सबसे पहले ग्रुप के कई सारे एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर लिए हैं, उन्हीं एग्जाम्पल के बिहाफ पर मैं आपको किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, क्योंकि ये हम जानते हैं जी इज इक्वल टू वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा। ये जो है ये डॉट या मल्टीप्लाई कह सकते हैं, इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ग्रुप होता है। अब हर एलिमेंट का ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। ये हम जानते हैं कि इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट वन है, क्योंकि संकिरिया गुणा दे रखी है। सामान्य गुणा संकिरिया के लिए तत्समक अवयव एक होता है। ये बात आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है इस ग्रुप का वो है e इक्वल टू वन। तो इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्ट चेक करना है। अब देखो, वन रेज टू द पावर वन करने पर वन आ जाएगा, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वन सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। और एक रूल इससे ये निकल कर आएगा कि ग्रुप के आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा वन होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बन जाएगा। उसके बाद देखो, माइनस वन की पावर कितनी करें कि रिजल्ट वन आ जाए, तो हम कहेंगे माइनस वन रेज टू द पावर टू। ऐसे तो माइनस वन की पावर फोर करने पर भी वन आएगा, लेकिन टू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है इस कंडीशन के लिए,
तो हम माइनस वन के ऑर्डर को टू कहेंगे। सेम आपको कहूं कि आइटा रेज टू द पावर कितनी करें कि रिजल्ट वन आए, तो सब जानते हैं आइटा की पावर फोर करने पर वन आ जाएगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ आइटा इक्वल टू फोर। सेम माइनस आइटा की पावर कितनी करेंगे, वन आए, तो माइनस आइटा रेज टू द पावर फोर करेंगे तो ही वन आएगा। इसका मतलब ये निकलता है स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू वन, ऑर्डर ऑफ माइनस वन इक्वल टू टू, ऑर्डर ऑफ आइटा इक्वल टू फोर एंड ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा इक्वल टू फोर। ये सिंबल होगा ऑर्डर का, इस तरह से लिखना। ये स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसे तो हम आइटा की पावर 8 करेंगे या 16 करेंगे 32 करेंगे तब भी 1 आएगा, लेकिन सबसे पहले 1 लाने के लिए हमें पावर क्या लगानी पड़ी, 4। अब क्योंकि यहां बाइनरी ऑपरेशन डॉट है, तो आइटा रेज टू द पावर 4 हो या माइनस वन रेज टू द पावर 2 हो, इनका मतलब क्या होगा, आइटा इंटू आइटा इंटू आइटा इंटू आइटा 4 टाइम्स। सेम इसको हम कहेंगे माइनस वन इंटू माइनस वन, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन जो हमें दे रखा है पावर में वही ओपन होता है। ये तो एक सामान्य एग्जांपल हो गया, इसके बिहाफ पर हमने हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर लिया, लेकिन इससे जो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल के आए हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो ये कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा वन होगा, उसके बाद कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि यहां आप ये जानते हो जो ग्रुप आपको दिया गया है उसका ऑर्डर कितना है, 4, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ जी के इक्वल हो सकता है, यानी किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कभी ज्यादा नहीं हो सकता। ये दो स्टैंडर्ड रिजल्ट यहां निकल के आए हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसके, जितने ज्यादा एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे ये टॉपिक आपका उतना ही ढंग से क्लियर होगा। जो पहले हमने ग्रुप्स डिस्कस किए हैं डॉट के लिए, मैं एक और फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल लेना चाहूंगा। आप ये जानते हो जिसमें मैंने सेट लिया था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये जो है ये डॉट या मल्टीप्लाई के लिए ग्रुप होता है। संक्रिया सारणी बना के हमने चारों कंडीशन डिस्कस की थी। अब देखो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, ये भी हमें ध्यान है, तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि 1 की पावर 1 करने पर 1 आ जाएगा, लेकिन ओमेगा की पावर कितनी करूं कि 1 आ जाए, तो आंसर होगा 3। वैसे तो 6 करने पे भी 1 आएगा, 9 करने पे भी 1 आएगा, लेकिन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है यहां पे, 3। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर है, इसकी पावर कितनी की जाए कि आंसर यहां 1 आ जाए, तो ओमेगा स्क्वायर की पावर भी 3 होंगी, तब मल्टीप्लाई होके ओमेगा रेज टू द पावर 6 बनेगा और इक्वल में 1 आएगा। और इन सभी बातों का मतलब है ऑर्डर ऑफ 1 इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ ओमेगा इक्वल टू 3 एंड ओमेगा स्क्वायर का ऑर्डर भी 3 होगा। तो फिर से वही रिजल्ट है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर 3 जो कि इस ऑर्डर ग्रुप का ऑर्डर है। इसका मतलब वापस से हमने तीनों एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया। दो रिजल्ट आए कि हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होगा, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, मैंने एलिमेंट के लिए ए नोट कर लिया, वो ऑर्डर ऑफ जी से कम या उसके बराबर होगा। अधिकतम यही चीज पॉसिबल है, ऑर्डर ऑफ ए कभी जी से या जी के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता। इसके बाद हम लेना चाहेंगे योग संक्रिया, जितने एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे उतना बेनिफिशियल होगा। तो हमने अवशेष योग संक्रिया मोडुलो बाइनरी ऑपरेशन के लिए कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, जैसे आपने जी को लिया था 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़े हैं, और ये जो है ये प्लस 5 के लिए ग्रुप होता है। हमारा आज का टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप, तो हमें तो हर एलिमेंट के ऑर्डर से मतलब है, ग्रुप तो पढ़ ही रहे हैं अपन, ये सारी चीजें हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस की हुई हैं। अब आप ये बताओ कि इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है, सिंपल। अब हमें एक एक पावर लगा के ये चेक करना है
कि कौन कौन से एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या होगा। सबसे पहले ये जानते हो कि इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो है, तो जीरो का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा, वन। ये तो सोचना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि जीरो रेज टू द पावर वन करने पर आपके पास जीरो ही आएगा, ठीक है ना। ये तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, हम आगे के एलिमेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज तो आपने क्या निकाल ली कि जीरो रेज टू द पावर वन करने पर जीरो आ रहा है। दूसरा, वन रेज टू द पावर कितनी करें, वन रेज टू द पावर कितनी करें कि बराबर में जीरो आ जाए। अब ये सोचने वाली बात होगी यहां पर, तो पिछले एग्जाम्पल आपके क्लियर होने बहुत जरूरी है। अगर मैं करता हूं वन रेज टू द पावर फाइव, तो देखना यहां जीरो आएगा, जबकि ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता, ऐसे ग्रुप्स में होता है। यानी इस वन रेज टू द पावर फाइव को हम क्या पढ़ेंगे, वन प्लस फाइव वन प्लस फाइव वन प्लस फाइव वन, ऐसे करके आपको फाइव टाइम लिखना है। अब देखो सबको जोड़ लो, एक दो तीन चार पांच, और कोई भी नंबर का सम पांच होने पर उसको जीरो माना जाता है। यानी ये वन रेज टू द पावर फाइव है वो इस तरह से ओपन होंगी, वन प्लस फाइव वन प्लस फाइव। ये प्लस फाइव जो मैं प्रोनाउंशिएट कर रहा हूं ना, ये बाइनरी ऑपरेशन है। आप ये मत सोचना मैं पांच ऐड कर रहा हूं, ये बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम ये पढ़ते हैं ना, कोई भी एक्स की पावर पांच है तो हम नॉर्मली क्या पढ़ते हैं, एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स। यहां इस डॉट की जगह वो नंबर आएगा जो आपको बाइनरी ऑपरेशन गिवन है, तो वन रेज टू द पावर फाइव करने पे जीरो आ गया। नेक्स्ट, टू रेज टू द पावर कितनी की जाए कि दोबारा से बराबर में जीरो आ जाए। तो देखो टू रेज टू द पावर वन करोगे तो उसको टू ही बोला जाएगा, टू रेज टू द पावर टू करोगे तो आ जाएगा टू रेज टू द पावर टू, का मतलब होगा टू प्लस फाइव टू, यानी इसको क्या कहेंगे, फोर। वैसे टू रेज टू द पावर थ्री तो इसको कहोगे टू प्लस फाइव टू प्लस फाइव टू। अब दो दो चार छः, छः में पांच का डिवाइड लगाने पर रेस्ट कितना आ रहे हैं, वन, तो इसको वन काउंट किया जाएगा। ऐसे आपको पावर्स लगा लगा के चेक करनी पड़ेंगी। टू रेज टू द पावर फोर करोगे तो क्या आ जाएगा, टू प्लस फाइव टू प्लस फाइव टू प्लस फाइव टू, तो दो चार छः आठ, आठ में पांच का डिवाइड लगाया, रेस्ट बच गया तीन, तो इस नंबर को तीन काउंट किया जाएगा। हमें कब तक चेक करना है, जब तक बराबर में जीरो नहीं आ जाता तब तक हमें चेक करना है। अब की बार हमने किया टू रेज टू द पावर फाइव, तो देखो आपको पता है टू रेज टू द पावर फाइव मतलब टू प्लस फाइव प्लस टू प्लस फाइव टू प्लस फाइव टू, पांच बार ऐड हो गया। देखो एक दो तीन चार पांच कितना हो गया, टेन, टेन में फाइव का डिवाइड लगाने पर रेस्ट कितना बच गया, जीरो। इसका मतलब जीरो कब आया, जब हमने टू रेज टू द पावर फाइव लगाई। एक मैंने सोल्व करके आपको बता दिया है बराबर में क्या आएगा, जीरो। ऐसे ही आपको हर एलिमेंट का ऑर्डर चेक करना है। तो देखो थ्री रेज टू द पावर कितनी करें बराबर में जीरो आ जाए, तो वन किया तो थ्री, टू किया तो वैसे सिक्स, फाइव का डिवाइड लगाने पे वन, लेकिन हमें क्या चाहिए बराबर में जीरो। थ्री रेज टू द पावर थ्री करने पर उसको नाइन बोला जाएगा, थ्री प्लस फाइव थ्री प्लस फाइव थ्री, नाइन में फाइव का डिवाइड मतलब उसको फोर काउंट किया जाएगा। फिर ट्वेल्व में फाइव का डिवाइड टू काउंट किया जाएगा, लेकिन जब आप थ्री रेज टू द पावर फाइव यूज करोगे, थ्री रेज टू द पावर फाइव, तो वो होंगे फिफ्टीन, और फिफ्टीन में फाइव का डिवाइड लगाने पर रेस्ट बचेगा जीरो। ऐसे ही आपको फोर के लिए चेक करना है, तो देखो फोर रेज टू द पावर वन का मतलब फोर, फिर एट का मतलब थ्री, फिर ट्वेल्व का मतलब टू, फिर सिक्सटीन का मतलब, सिक्सटीन का मतलब हो जाएगा वन, और पावर फाइव कर दोगे तो कितना जाएगा, ट्वेंटी, ट्वेंटी में फाइव का डिवाइड जीरो। इससे कम इंटीजर नहीं, हमने जीरो यानी वन से स्टार्ट किया था, हमने वन से लगा लगा के चेक किया था, मिनिमम फाइव पावर की ना, तब जाके यहां जीरो आया। तो सभी बातों का मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है वो देख लो, व्हाट इज द कंक्लूजन। इसका मतलब ये हुआ ऑर्डर ऑफ जीरो इक्वल टू वन, ऑर्डर ऑफ वन रेज टू द पावर, सॉरी वन इक्वल टू फाइव,
ऑर्डर ऑफ टू इक्वल टू फाइव, ऑर्डर थ्री का मतलब भी यहां फाइव, ऑर्डर फोर का मतलब भी फाइव है, लेकिन फाइव से ज्यादा तो नहीं आया ना। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना है? फाइव। अब मैक्सिमम ऑर्डर जो है किसी एलिमेंट का वो फाइव ही आया है, ये पॉसिबल है। और आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर वन आया है, जो कि यूजुअल थिंग है, पहले भी हमने ये बात डिस्कस कर ली है। इस तरह से आपको इस ग्रुप का ऑर्डर डिस्कस करना है। उसके बाद हम और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो अगर सेट ये था वन टू थ्री फोर और बाइनरी ऑपरेशन था मल्टीप्लाई फाइव, यानी कि अवशेष गुणा संकीर्या, ये ग्रुप था। हमने पढ़ा था कि जब यहां पे कोई अभाज्य संख्या होगी यानी कि प्राइम नंबर होगा तो ये ग्रुप हमेशा बनाता है, और ऐसे ग्रुप्स में जीरो कंसीडर नहीं होता। उसके भी स्पेसिफिक रीजंस हैं, हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। हमें फिलहाल बात करनी है हर एलिमेंट के ऑर्डर की। तो अब जैसे वन रेज टू द पावर कितनी की जाए कि वन आ जाए, क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट वन है। अब वन रेज टू द पावर तो वन ही है, ऑब्वियसली बात है कि पावर वन करने पे वन आएगा। उसके बाद देखो टू रेज टू द पावर कितनी की जाए कि यहां वन आ जाए। मैं अलग अलग सबको सोल्व कर रहा हूं। देखो जैसे दो पावर करोगे ना तो उसको क्या बोलोगे, टू इन टू टू। अभी फोर है यानी कि फाइव से कम है तो इसको फोर ही माना जाएगा, लेकिन फिर आप करोगे टू रेज टू द पावर थ्री तो ये देखो टू इन टू टू इन टू टू कितना हो गया, एट। एट में फाइव का डिवाइड लगाओगे कितना बच गया, थ्री। हमें कितना चाहिए बराबर में, वन। टू रेज टू द पावर फोर किया तो देखो दो दुनी चार दुनी आठ, ये आ जाएगा सोलह। सोलह में पांच का डिवाइड लगाएंगे, रेस्ट कितना बच जाएगा, वन। तो टू रेज टू द पावर फोर की वैल्यू कितनी है, वन। इस तरह से आपको हर एलिमेंट की पावर लगा के चेक करनी है, बाद में तो आप कैलकुलेशन फास्ट भी कर पाओगे। फिलहाल हमें समझना है इस बात को। उसके बाद है थ्री रेज टू द पावर कितनी की जाए कि वन आ जाए। सेम वही प्रोसीजर, वन करेंगे तो थ्री, टू पावर करने पे देखो थ्री इंटू थ्री नाइन हो गया, नाइन में फाइव का डिवाइड लगाएंगे, फोर काउंट किया जाएगा। थ्री पावर की तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन, फाइव का डिवाइड लगाएंगे, रेस्ट बच गया टू। फिर थ्री रेस्ट टू द पावर फोर करो तो एट्टी वन, एट्टी वन में फाइव का डिवाइड लगाएंगे, रेस्ट बचेगा, नॉर्मल बात है वन। कितना लिख दिया हमने, थ्री रेस्ट टू द पावर फोर करने पे वन आ जाएगा। उसके बाद है फोर, फोर की पावर कितनी की जाएगी वन आ जाए, तो एक एक करके चेक करेंगे। पावर वन की तब तो फोर ही आ जाएगा, टू करेंगे तो देखो फोर इंटू फोर वैसे सिक्सटीन होंगे, लेकिन काउंट तो वन ही होगा ना, क्योंकि सिक्सटीन में फाइव का डिवाइड लगाने पर रेस्ट बच जाएगा वन। फोर की पावर कितनी आ गई, टू। पहले तो आपको पावर से ये चेक कर लेना है कि आइडेंटिटी कितनी मिनिमम पावर पे आ जाता है। कंडीशन क्या है, वन से शुरू करोगे और उतनी बार अधिकतम करना पड़ेगा अब किसी ग्रुप में जिसकी एलिमेंट की संख्या है, यानी ऑर्डर ऑफ जी तक मैक्सिमम। तो ऑर्डर ऑफ वन तो आ गया वन, ये तो आना ही था ऑब्वियसली। ऑर्डर ऑफ टू कितना आ गया, फोर। ऑर्डर ऑफ थ्री भी कितना आ गया, फोर। ऑर्डर ऑफ फोर कितना आ गया, टू। वो सारी कंडीशन अब भी बरकरार है। देखो मैंने जो आपको बताई थी कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा वन होगा और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर ऑर्डर ऑफ जी से ज्यादा नहीं होगा, ग्रुप के ऑर्डर से कभी ज्यादा नहीं होगा। इस तरह से स्टूडेंट्स आपको एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड करना है। मैं और भी एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा, जितने टाइप के एग्जाम्पल हमने ग्रुप के लिए पढ़े हैं सबके लिए ये बात हम डिस्कस करेंगे। तो आपको ध्यान होगा मैंने इस तरह के भी ग्रुप्स डिफाइन किए थे जिसमें U10 मल्टीप्लाई 10 जैसे एग्जाम्पल भी हमने ग्रुप के लिए पढ़े थे। ये बात सबको ध्यान है कि ये ग्रुप होता है जहां U10 है ना, वो होता है सेट ऑफ दोज नंबर्स, उन संख्याओं का समुच्चय जो 10 से छोटी हो और इसके रिस्पेक्टिव प्राइम नंबर हो। तो 10 से छोटे और इसके रिस्पेक्टिव नंबर कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 7 और 9।
सेवन और नाइन, ठीक है ना। एक एक एलिमेंट का ऑर्डर हमें निकालना है। बाइनरी ऑपरेशन क्या दे रखा है, वही अवशेष गुणा संकिरिया है, रेसिडू मॉडुलो ऑपरेशन 10। सीधी बात है कि वन यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वन की पावर तो वन करोगे, वन आ जाएगा। थ्री की पावर कितनी करें कि रिजल्ट वन आ जाए, तो थ्री रेस टू दी पावर टू किया नाइन, नाइन को नाइन काउंट किया जाएगा, हमें चाहिए बराबर में वन। थ्री रेस टू दी पावर थ्री किया तो 9 इंटू 27 में 10 का डिवाइड लगाएं, इसको क्या काउंट किया जाएगा, सात, क्योंकि सात यहां पे रेस्ट बच जाता है। इस इक्वल का मतलब ये नहीं है कि भाग सात बार चला गया, इस इक्वल का मतलब है रेस्ट क्या बच गया, सात बच गया, ठीक है ना। तो 3 रेस टू दी पावर 3 भी नहीं होगा, 3 रेस टू दी पावर 4 करें तो कितना आता है 81, और 81 में 10 का डिवाइड लगाएं तो रेस्ट कितना बचता है 1, यानी 3 रेस टू दी पावर 4 करने पर क्या जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही स्टूडेंट्स हमें 7 के लिए चेक करना है, पावर लगा लगा के चेक करोगे तो 7 की पावर 1 तो 7 ही होगा। 7 रेस टू दी पावर 2 किया 49, ठीक है, और 49 को 10 से डिवाइड करने पर इस एलिमेंट को क्या काउंट किया जाएगा 9, जबकि हमें क्या चाहिए 1। उसके बाद अगर आप 47 की सॉरी 7 रेस टू दी पावर 3 करते हैं तो कितना जाता है 343, 343 में 10 का भाग लगाओगे, 343 में अगर 10 का भाग लगाओगे तो रेस्ट कितना बच जाएगा 3। देख लो एक बार, 10 का भाग लगाएंगे रेस्ट बच जाएगा 3, क्योंकि 340 में तो चला जाएगा 34 टाइम्स। ऐसे ही स्टूडेंट आप 7 की पावर 4 करो, 4 करोगे तो देखो 7 इंटू 3 1, एंड में 1 बच रहा है, और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो 21 है तो 28, 0, उसके बाद 21 और 3 2401, कैलकुलेशन देख लेना, 7 21 1 28 2 30 7 21 2401। इसमें अगर 10 से डिवाइड लगाएंगे अपन तो 2400 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा 240 टाइम्स, और रेस्ट क्या बच जाएगा 1। तो 7 रेस टू द पावर 4 करने पे क्या आएगा 1। 9 रेस टू द पावर कितनी की जाएगी 1 आ जाए, मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 रेज टू दी पावर 1 का मतलब तो 9 होगा, रेज टू दी पावर 2 करोगे तो 81, और 81 में 10 का डिवाइड लगाएंगे तो कितना जाएगा रेस्ट 1, यानी 9 रेज टू दी पावर 2 को 1 काउंट किया जाएगा। इन बातों का मतलब है ऑर्डर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ 3 इज इक्वल टू 4, ऑर्डर ऑफ 7 इक्वल टू 4, एंड ऑर्डर ऑफ 9 इक्वल टू 2। फिर वही चीजें देखो अभी तक बरकरार है कि कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस U10 का ऑर्डर भी 4 है, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर वही 1 है, चारों एलिमेंट का ऑर्डर हमने चेक कर लिया। इस तरह से आपको एलिमेंट्स के ऑर्डर फाइंड करने हैं। उसके बाद बातें सुन लो, हम इनफाइनाइट ग्रुप भी लेने वाले हैं, एक इनफाइनाइट ग्रुप से हम सारी चीजें डिस्कस कर लेंगे। तो एक इनफाइनाइट ग्रुप हम ले रहे हैं जेड प्लस। ये इनफाइनाइट ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि ये जो जेड सेट हम यूज कर रहे हैं ना, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो इनफाइनाइट होते हैं, तो इस ग्रुप का नाम क्या हो जाता है, इनफाइनाइट ग्रुप। ये होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पर। अब देखो इनफाइनाइट ग्रुप में जरूरी नहीं होता कि हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो, ठीक है ना, वो फाइनाइट ग्रुप की एक कंपलसरी कंडीशन है कि हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट ही होगा, लेकिन इनफाइनाइट ग्रुप में जरूरी नहीं होता हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होना। तो देखो एक एक एलिमेंट दो दो एलिमेंट की हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कोई भी नंबर की पावर, जैसे 1 ले लिया मैंने, पावर क्या करें कि इक्वल में 0 आ जाए, ठीक है ना, और प्लस यहां पे क्या है बाइनरी ऑपरेशन, तो जैसे 1 है माइनस 1 भी आएगा, 2 भी आएगा माइनस 2 भी आएगा, 0 भी आएगा, इन सब की पावर लगा के हमें चेक करना है कि किसके इक्वल में जीरो आ जाता है। अगर जीरो आ जाता है तो और कोई पावर यहां फाइनाइट यूज कर रहे हैं, इसका मतलब तो ऑर्डर डिफाइन होगा, लेकिन जिसके लिए ऐसा नंबर एग्जिस्ट ना करे ऐसे ऑर्डर को हम इनफाइनाइट कह देते हैं, यानी कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो बताओ 1 रेज टू द पावर यहां क्या करें कि रिजल्ट में जीरो आ जाए, पॉसिबल होगा या नहीं भी होगा, तो वो इनफाइनाइट ग्रुप में है, फाइनाइट में तो एक कंडीशन जरूर से अप्लाई होगी। ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा ना यहां कि 1 रेज टू द पावर
कोई नंबर लगाएं ताकि जीरो आ जाए, नहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि ये सामान्य योग संकीर्या है। ना माइनस वन के लिए ऐसा होगा, टू के लिए भी नहीं होगा, माइनस टू के लिए भी नहीं होगा। जीरो जो कि आइडेंटिटी एलिमेंट है वो तो सीधी सी बात है, जीरो रेज टू द पावर वन करोगे तो जीरो आएगा डेफिनेटली। इसका मतलब इसका तो डिफाइन हो रहा है, ऑर्डर ऑफ जीरो इक्वल टू वन आएगा। बाकी जरूरी नहीं है हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट हो, कब, जब हमारे द्वारा लिया गया ग्रुप इनफाइनाइट हो, फाइनाइट ग्रुप का 100% करेगा। तो जो रूल निकल के आए उनको माइंड में रखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा वन होता है, ठीक है। फाइनाइट ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से कम या उसके बराबर हो सकता है, ठीक है ना। ये कुछ कंडीशंस यहां से निकल के आती हैं। जैसे मान लो हम एक ग्रुप और ले लेते हैं, जैसे लिया था हमने आर नोट फॉर मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या एक इनफाइनाइट ग्रुप का ही एग्जाम्पल है, ये भी एक इनफाइनाइट ग्रुप का ही एग्जाम्पल है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट है। अब इसमें भी वही बात है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो था जीरो जो कि हमने डिस्कस कर लिया, इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो वन होगा क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन डॉट दे रखा है। तो अब देखो वन रेज टू द पावर करोगे वन, वन आएगा डेफिनेटली। बाकी किसी एलिमेंट के लिए ये भी हो सकता है ना आए, जैसे कि मान लो टू है तो टू रेज टू द पावर क्या की जाए कि वन आ जाए, नहीं ऐसा एग्जिस्ट कर रहा। माइनस टू के लिए भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा। माइनस वन है, जैसे माइनस वन है तो माइनस वन रेज टू द पावर क्या कर दें टू, तो माइनस वन इंटू माइनस वन वन आ गया। इसका मतलब ऐसे ग्रुप में वन और माइनस वन का तो एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अलावा किसी का भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि क्योंकि इनफाइनाइट ग्रुप है। तो वन का ऑर्डर तो कितना है वन, और माइनस वन का ऑर्डर कितना है टू, यानी इससे तो आप कह सकते हो ऑर्डर ऑफ वन इज इक्वल टू वन, और इससे कह सकते हो ऑर्डर ऑफ माइनस वन इक्वल टू टू। लेकिन बाकियों का एग्जिस्ट करे जरूरी नहीं होता, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ना भी करे, ठीक है ना, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ना भी करे। तो ये बात ध्यान रखनी है, कुछ रूल्स यहां से जो निकल के आए वो स्टैंडर्ड बनेंगे। तो मैंने आपको लगभग सभी टाइप्स के ग्रुप समझा दिए, कंडीशन सेम है सब में। हमें एलिमेंट्स की पावर यूज करके ये देखना है कि मिनिमम कितने पावर के ऊपर वो एलिमेंट एक आइडेंटिटी एलिमेंट को कंपोज करता है, ठीक है ना। इस तरह से आपको ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप टॉपिक डिस्कस करना है, देखना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप थ्योरी के लिए, और आगे जब हम साइक्लिक ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप सब पढ़ेंगे उनमें ये डेफिनेशन यूज होगी। तो इस क्लास को आप एकदम ध्यान से देखें, कुछ और एग्जाम्पल अगर आपके माइंड में हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर भी हैं। कोई भी एग्जाम्पल में या अदर कोई एग्जाम्पल कंपटीशन से आया हुआ अगर आपके क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट तो आप हमें सेंड कर सकते हैं, उसका हम जवाब आपको जरूर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप इस क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ओके स्टूडेंट्स।